नमस्कार, मैं तबारक और आप लोग सच 22 बिहार देख रहे हैं। देखिए, इस वक्त हम पूर्णिया के जिया लाइब्रेरी में हैं और आज इस लाइब्रेरी का ओपनिंग होना है और एक बार हम दिखाने का आपको प्रयास करेंगे इस लाइब्रेरी को जो बनाया गया, किस तरह से बनाया गया। कृष्णा दिखाइए कि पूर्णिया का ऐसा माना जाता है कि ये जिया लाइब्रेरी पहला एक ऐसा लाइब्रेरी है जहाँ पर इतनी सारी सुविधाएँ दी गई। एक बार दिखाइए, यहाँ पर आपको AC मिलेगा, साथ ही साथ अंदर में फ्री वाईफाई है, मैगजीन हो, फिर चाहे न्यूज़पेपर की बात करें, फिर चाहे शुद्ध पानी की बात करें, वो तमाम सुविधाएँ इस लाइब्रेरी के अंदर दिया गया है और आज इसका ओपनिंग होना है। और इसके जो संस्थापक हैं जिया सर हैं। सबसे पहले यहाँ पर कुछ स्टूडेंट हैं इस लाइब्रेरी में जो आज यहाँ पर उपस्थित हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ? मुनीब आलम। जोर से बोलिए, मुनीब आलम। लाइब्रेरी का ओपनिंग है, क्या कहेंगे? लाइब्रेरी एक्चुअली स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मतलब रूम पर पढ़ाई अच्छी तरह से नहीं होती, इसी कारण लाइब्रेरी ज्वाइन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। और जो भी एग्जाम्स जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होता है, उस स्टूडेंट के लिए लाइब्रेरी काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं और लाइब्रेरी में हर एक सुविधा यहाँ पे अवेलेबल है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए, और एक भैया हैं इधर मुस्कुरा रहे हैं, क्या नाम हुआ? आलोक कुमार। आलोक जी, जी क्या कहेंगे, आज लाइब्रेरी का ओपनिंग है जिया लाइब्रेरी। जी देखिए, लाइब्रेरी देख के तो लग रहा है वेल मेंटेन्ड है और यहाँ पे पीसफुल इन्वायरमेंट भी है। जिन बच्चों को भी घर पे समय नहीं मिल पाता है या फिर थोड़ा सा दिक्कत हो रही होती है घर में पढ़ाई के लिए, तो यहाँ आकर के आराम से पढ़ सकते हैं। बस अच्छा, आपको ऐसा लाइब्रेरी कभी इससे पहले और कहीं देखे थे जितना सारा सुविधा देख रहे हैं यहाँ पर? जी देखिए, आजकल के दौर में हर जगह लगभग है ऐसा सुविधा देना भी चाहिए और इतना तो नीड होना ही चाहिए हर बच्चे का कि कम से कम एक पीसफुल इन्वायरमेंट में अच्छा वेल डिसिप्लिन जगह पे आके पढ़ सके। क्या नाम हुआ आपका भैया? सौरभ कुमार। क्या लगता है, इस लाइब्रेरी में अच्छे से स्टडी कर पाएंगे? जी हाँ, उम्मीद तो है क्या कि हम जो है बेहतर लाइब्रेरी मिले। और क्या बोले, आज ओपनिंग है। जी हाँ। आपका क्या नाम हो भैया? जी सहीर। क्या कहेंगे, लाइब्रेरी का ओपनिंग है? जी, इस इलाके में बगल आसपास के एक भी लाइब्रेरी नहीं था, ये खुला है तो बच्चों को सुविधा होगी अच्छा से, और देखते हैं कल से क्या ट्रेनिंग अच्छा से चल रहा है कि नहीं। चलिए, यही वो लाइब्रेरी है जिया लाइब्रेरी और जिनके संस्थापक जिया सर हैं। और फिर से हम आपको दिखाएंगे, देखिए कितना सारा सुविधा है यहाँ पर, AC मिलेगा, फ्री वाईफाई मिलेगा, तमाम सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इस लाइब्रेरी को बनाया गया। क्या नाम है भैया? अभूजंदर। जोर से बोलिए, अभूजंदर। लाइब्रेरी का उद्घाटन है आज, क्या कहेंगे? क्या लाइब्रेरी का उद्घाटन है ये पूर्णिया स्टूडेंट है। हाँ जी सर, किस तरह से सुविधा पहुंचाएगी आप लोगों को? जी सर, सुविधा तो बिल्कुल बढ़िया है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अलानूर हुआ। ओपनिंग है आज? ओपनिंग है, ठीक है, अच्छा लग रहा है। देखिए कि यहाँ अपने कोई आप लोगों को यहाँ से मिल पाएगी सुविधा, मिल पाएगी, पढ़ पाएंगे अच्छा? हाँ, तो लग तो रहा है कि सुविधा जब खोले हैं सर, इतना मेहनत करके तो कुछ सुविधाएं मिलवे करेंगे। देखिए इधर आइए, यहाँ से एक कम आप। क्या नाम हुआ आपका? बहुत ज़्यादा हंस रहे। मेरा नाम सादाब आलम है। अच्छा सादाब जी, जी यहाँ पे ये लाइब्रेरी खुलने से यहाँ के जो अगल बगल के आस पड़ोस में जितने भी ये छात्र रहने वाले हैं सबको बहुत ही आसान हुआ है, आराम हुआ है, क्योंकि यहाँ के जो छात्र जो थे तो इनको ये लाइब्रेरी बहुत दूर जाना पड़ता है, तो भट्टा बाजार जाना पड़ता था या यहाँ पर आपका ये गिरजा चौक जाना पड़ता था या रामबाग जाना पड़ता था, तो बरसात के मौसमों में है ना, इसके बाद गर्मी के दिनों में, जाड़ा के दिनों में, ये सब थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता था ठीक से। अगर यहाँ पे बगल में अगर लाइब्रेरी है तो स्टूडेंट को ये होगा कि उनका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, उसके टाइम में काफ़ी बचत होगी। और ये लाइब्रेरी जो है पूरा यूनिक तरह से बनाया हुआ है, सारा सुविधा है, बिल्कुल सुविधा है। चलिए, हमने यहाँ पे विद्यार्थियों से मिलाया और इसके बारे में वो लोगों ने जानकारी दिया और सीधा हम लोग चलेंगे यहाँ के जो संस्थापक हैं उनसे हम खास बातचीत करेंगे और हम जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जिया लाइब्रेरी के संस्थापक जिया सर हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जिया लाइब्रेरी किस तरह से विद्यार्थियों के भविष्य को संवारने का काम करेगी पूर्णिया में? हाँ, जैसा कि पूर्णिया एक एजुकेशन हब बनता जा रहा है और यहाँ पे लाइब्रेरी की नीड है बहुत ज़्यादा, और पूर्णिया के कई हिस्सों में लाइब्रेरी खुला हुआ है, लेकिन माधोपाड़ा के एरिया में जो हमारे गांव के बच्चे यहाँ के पढ़ाई करते हैं उनके लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। और इस जोन के बच्चे को, माधोपाड़ा रीजन के बच्चे को, लाइन बाज़ार के बच्चे को बहुत दूर दूर तक स्टेडियम या रामबाग या भट्टा की तरफ पॉलीटेक्निक चौक तक जाना पड़ता था। तो जैसे मुझे पता चला कि यहाँ पर नहीं है तो मुझे लगा कि नहीं नहीं यहाँ पर भी एक लाइब्रेरी होना चाहिए ताकि बच्चे को सुविधा मिले। बच्चे गाँव से बहुत मेहनत से आके अपने छोटे छोटे कमरे में रहते हैं तो उनके लिए एक सारे फैसिलिटी से भरा हुआ जगह चाहिए जहां पे आराम से पढ़ पाएं। और पढ़ाई के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है माहौल,
रूम पे रह के डेरा पे रह करके वो पढ़ नहीं पाएगा, तो उसके लिए माहौल बहुत ज़रूरी है। और लाइब्रेरी बेस्ट जगह है जहाँ पे बच्चे माहौल बना करके एक साथ मिल करके अपना जो सपना है उनका वो पूरा कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा बताया जा रहा है कि पूरे आधुनिक तरीके से इस लाइब्रेरी को बनाया गया, तो क्या कुछ इसमें सुविधाएँ हम चाहेंगे आप बताएँ। हाँ, इसमें वो सारी बेसिक फैसिलिटीज़ जो एक लाइब्रेरी में होनी चाहिए। ये लाइब्रेरी सेल्फ स्टडी सेंटर है, यानी खुद से अपनी किताब लेके आनी है और खुद से ही पढ़नी है। यहाँ पे सिर्फ हम यहाँ पे बैठने की जगह, फ्री वाईफाई, एसी, गर्मी से लोग परेशान हैं तो एसी लगा के दे दिए हैं। इलेक्ट्रिसिटी का पूर्णिया का बुरा हाल है, उसके लिए इन्वर्टर की फैसिलिटी है। यहाँ पे पीने का पानी, न्यूज़पेपर, मंथली मैगजीन्स जो पत्रिका दर्पण है, विजडम है, जो इस तरह के आते हैं कॉम्पिटिटिव, उसके लिए हम लोग यहाँ पे हैं। और ऐसे मैं खुद एक टीचर हूँ, शिक्षक हूँ, तो अगर कोई गाइडेंस चाहिए, काउंसलिंग चाहिए, तो उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। ऑफिस है, वहाँ पे बच्चे को गाइड भी कर सकते हैं, नहीं समझ में आ रहा तो बता देंगे, वरना खुद से किताब लेके पढ़ेंगे। हाई स्पीड इंटरनेट लगा हुआ है यहाँ पे, अगर जैसे पीडब्ल्यू वाले क्लास कोटा से बहुत बच्चे तैयारी करके आए हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे अभी, उनको जगह चाहिए जहाँ से शांति के साथ, बगैर किसी प्रॉब्लम के, बगैर किसी हिंड्रेंस के अच्छे से पढ़ पाएँ, तो उसके लिए ये जगह बताएँ। क्या यहाँ पर कुछ फीस वगैरह भी आने वाले समय में रहेगा, कैसे स्टूडेंट आ पाएंगे, कैसे एडमिशन ले पाएंगे? यहाँ पे मिनिमम जो चार्ज है, जो सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका जो मिनिमम चार्ज हमने रखा है 500 पर शिफ्ट। चार शिफ्ट यहाँ क्लास चलेगी, सुबह 6 बजे ओपन होगा ये और रात के 11 बजे तक चलेगा। और बच्चे यहाँ दिन भर आराम से अच्छे माहौल में और ठंडी हवा में ठंडा पानी पी करके आराम से यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं। तो सारी एक कड़वा सवाल है सर, कुछ लोग लाइब्रेरी को बिजनेस के तौर पर देखते हैं, जैसे ही लाइब्रेरी का नाम सुनते हैं तो उसके दिमाग में आता है अरे ये तो बिजनेस है, उसको क्या कहिएगा? नहीं, ये बिजनेस आज के डेट में एजुकेशन है, क्वालिटी एजुकेशन और सर्विस आपको चाहिए, तो उसके लिए थोड़ा बहुत पे करना होगा। तो ऐसा नहीं है, सर्विस हम दे रहे हैं बीइंग अ टीचर, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरा भी पेट है, कैसे चलेगा? तो सर्विस चार्ज ले रहे हैं सिर्फ। और यहाँ पे 500 4 घंटा 5 घंटा बच्चा बैठ के यहाँ पढ़ेगा, उसके लिए अगर 500 पे करता है, एसी की फैसिलिटी लेगा, वो सीटिंग है, यहाँ पे इन्वर्टर है, पानी है, तो वो एक मिनिमम चार्ज है। उससे बिजनेस ये 500 रुपया लेके कोई बहुत अमीर तो नहीं बनेगा, तो ये एक मिनिमम जो हम दे सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कौन से बच्चे यहाँ पे आएंगे। बहुत बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, हमारे ही समाज के, हमारे ही गाँव के बच्चे हैं, जो मिनिमम चार्ज उससे लिया जा रहा है जितना वो बियर कर पाएं। तो आप भी अंदाजा लगा सकते होंगे कि 500 मिनिमम चार्ज है, कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। कई लाइब्रेरी लेता है, अगर कोई भी लेता है तो वो सर्विस का ही लेता है, इससे ज़्यादा सर्विस चाहिए तो उसके चार्जेस लगेंगे उससे आपसे। एक और सवाल है कि ये आपका प्राइवेट है या फिर गवर्नमेंट है या फिर होता है एक नेशनल लेवल का लाइब्रेरी, क्या है? नहीं, ये एक प्राइवेट लाइब्रेरी है, ठीक है, और ये समाज के डेवलपमेंट के लिए, चूँकि हम लोग सोशल वर्क से भी जुड़े हुए हैं, मैं सीमांचल एजुकेशन एंड वेलफेयर चर्च का चेयरमैन भी हूँ, हम लोग वेलफेयर काम भी करते हैं हमेशा, तो उससे कहीं ना कहीं था कि नहीं, इसे कमाने का जरिया नहीं बनाना है, लोगों का फ़ायदा हो, जो खर्च हो रहा है इसमें वो पैसा सिर्फ निकले। आप वीडियो के माध्यम से कुछ पूर्णिया के, खास करके जो गरीब स्टूडेंट, उसको कुछ कहेंगे? हाँ, उसके लिए कि आप लोग यहाँ पे आइए, पढ़िए, पैसा के वजह से कोई किसी की पढ़ाई छूटनी नहीं चाहिए। जहाँ तक हम लोगों से मदद होगा, जैसा भी गाइडेंस होगा, क्लास के थ्रू, ट्यूशन के थ्रू, लाइब्रेरी में पढ़ने के थ्रू, हम लोग हर तरह से तैयार हैं, पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। चलिए, तो ये हमारे साथ जिया सर थे और यहाँ पर भी कुछ लोग हैं। सर, क्या नाम हुआ? अजय कुमार वर्मा। क्या कहेंगे, आज जिया लाइब्रेरी का ओपनिंग है? नहीं, लाइब्रेरी का ओपनिंग है तो बहुत अच्छी चीज़ है, हमारे समाज के जो लड़के हैं, बच्चे हैं, जो ढंग से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं घर में, उनके लिए एक बहुत अच्छा जगह मिला, शांति बढ़िया है, और हम चाहते हैं कि ऐसा लाइब्रेरी उन लोगों के लिए बहुत ही मुनाफे का काम देगा, बेहतर काम देगा, उनके बेहतर शिक्षा के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, और हम चाहते हैं कि लाइब्रेरी हमेशा चले और बच्चे इसमें अधिक से अधिक जुटे और ये करें। इससे कम पैसा में आज के रेट में है और इतनी सुविधा है, संभव नहीं है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम फैज़ अहमद हुआ। फैज़ भाई जी, आज लाइब्रेरी का ओपनिंग है, क्या कहेंगे जिया लाइब्रेरी के बारे में? देखिए, बात करें अगर जिया सर की, तो जिया सर हमारे कलीग हैं, ठीक है, हम दोनों एक ही स्कूल में एक ही फैकल्टी हैं, ठीक है, और ये लाइब्रेरी का जो कंसेप्ट है, खास करके इस एरिया में, क्योंकि इस एरिया में काफ़ी छोटे तबके के लोग भी हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अंदरूनी लोग हैं, काफ़ी दूर से आते हैं पढ़ने के लिए, और लेकिन यहाँ पे जैसे लॉज का सिस्टम है उतना अच्छा नहीं है, ठीक है, लॉज है या फिर किसी तरह का जैसे फैसिलिटी सिस्टम है या फ्लैट का सिस्टम है, वो उतना बढ़िया नहीं है। और यहाँ पे बच्चे, जैसे गांव के बच्चे, आपको पता है कितने मेहनती होते हैं, उन बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी चाहिए, एक अच्छी जगह चाहिए, और ये जगह जो है मेरे ख्याल से जिया सर ने जो दिया है,
एक काफ़ी अच्छा जगह दिया है और एक अपॉर्चुनिटी दिया है बच्चों को आगे बढ़ने का। तो यहाँ पर केवल लड़के के लड़कों के लिए है या फिर लड़कियों के लिए भी है? नहीं, जैसा कि आप देख सकते हैं एक पार्ट इधर बना है एक पार्ट इधर बना है, ठीक है। ये आपका पार्ट हुआ, ये लड़कियों के लिए है, ठीक है, सेपरेट है, वो अपना पढ़ाई कर सकती हैं। ये लड़कों के लिए है और इन्होंने गार्ड का भी इंतज़ाम किया है और एक वार्डन का भी इंतज़ाम किया है जो दोनों हर चीज़ को देखें, चाहे फैसिलिटी देखें या फिर इनके सिक्योरिटी को लेकर देखें, इन चीज़ों का भी अच्छा खासा इंतज़ाम किया है। उसके बाद इन्होंने क्या कहते हैं कि CCTV कैमरा का भी इंतज़ाम किया है, पूरा सुरक्षा को ध्यान में रखा गया जी। पूरा कितना, ये कितना देर तक तो खुला रहेगा, कब से कब तक खुला रहेगा? शिफ्टिंग के हिसाब से अगर हम बात करें, पढ़ाई की कोई शिफ्टिंग होती नहीं है, ठीक है, लेकिन शिफ्ट वाइज जो पढ़ना चाहिए, क्योंकि हर किसी को अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। तो जैसा कि मैंने देखा है, सुबह 7 बजे से लेके इनका स्टार्ट होता है और रात के 9, 10, 11 बजे तक इनका लाइब्रेरी ओपन रहेगा। चलिए, ये हम आपको दिखा रहे थे जिया लाइब्रेरी, बाकी यहाँ पर भीड़ देख सकते हैं, यहाँ पर ओपनिंग था। क्या नाम हुआ भैया आपका? कैफ अली। कैफ जी, आप यहाँ के स्टूडेंट हैं जी, क्या कहेंगे आज जिया लाइब्रेरी का ओपनिंग है? कहेंगे तो बहुत कुछ, क्योंकि ये बाकी बहुत अच्छा चीज़ है, बिकॉज दैट इज़ अ गुड थिंग फॉर द स्टूडेंट्स दे आर कमिंग हियर टू फॉर द सेल्फ स्टडी, बिकॉज नाउडेज वी नीड टू सेल्फ स्टडी, बिकॉज फॉर द मोर अपकमिंग द एजुकेशन विच आर कमिंग, द मोर प्रैक्टिस वी नीड, फॉर दैट वी नीड दिस अ गुड सेल्फ स्टडी। क्या लगता है कितना बच्चों को यहाँ से सुविधा मिलेगी और शिक्षा के क्षेत्र में कितना आगे बढ़ पाएंगे? मेरे ख्याल से तो सबको मिलेगी, अगर जो यहाँ पे आ रहे हैं, जो यहाँ तक आएंगे, जिया लाइब्रेरी, लाइन बाजार, छोटी मस्जिद, रहमान चौक, खान प्रेस के ऊपर जिया लाइब्रेरी, अगर जो यहाँ तक आएंगे उन्हें प्रॉपर सबको मिल जाएगी, स्पेस है, सब कुछ है, फुल फैसिलिटीज़ है यहाँ पे, जैसे एक स्टूडेंट को होना चाहिए प्रॉपर। आपको यहाँ पे 2 AC है, हाई स्पीड इंटरनेट है, अगर जैसे कि आज के टाइम में लोग बहुत ज़्यादा ऑनलाइन क्लास करते हैं, फॉर दैट वी हैव द गुड हाई स्पीड इंटरनेट, दे हैव द क्लासेस विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, दे विल गेट दैट एंड दे विल डू द मोर थिंग टू फॉर देयर एजुकेशन एंड एवरीबडी विल कम हियर टू हैव देयर सेल्फ स्टडीज एंड फॉर द मोर एजुकेशन द एवरीबडी शुड गेट। यहाँ पर केवल लड़कों के लिए ही या फिर लड़कियों के लिए भी यहाँ पर सुविधा है? ऑल आर इक्वल, दोनों के लिए अलग अलग सुविधा है? नहीं नहीं, सबके लिए बराबर। नहीं नहीं, बैठने की अगर बात करें, राव की बात करें अगर, या फिर क्लास की बात करें? हाँ शायद होगा, अलग अलग है, पता नहीं है। आपको पता है भैया? हाँ अलग अलग है, दोनों के लिए सेपरेट व्यवस्था है, अलग अलग अरेंजमेंट है, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट ओनली गर्ल्स एंड बॉयज दे कैन सीट सेपरेटली, सो बहुत अच्छा रहेगा, और बड़ा नियर बाय प्लेस है और इस एरिया में है भी नहीं, और अभी जो इस तरह का जो व्यवस्था करते हैं तो आई होप दैट जिसका जो भी गोल है वो अचीव कर सकता है, और सेल्फ स्टडी जो है बेस्ट स्टडी होता है, इसलिए इस बात को मद्देनजर रखते हुए है ना, अब पूरा ध्यान कंसंट्रेट करके पढ़े तो जो भी डेस्टिनेशन होगा अल्टीमेटली दैट डेस्टिनेशन विल बी एक्वायर्ड बाई एंड एवरी इंडिविजुअल वो आर कमिंग, एंड वी आर ऑल्सो विशिंग ऑल द बेस्ट फॉर दोज स्टूडेंट्स आर कमिंग टू दिस लाइब्रेरी, जिया लाइब्रेरी। क्या नाम हुआ आपका? शायान नाम है मेरा। आज जिया लाइब्रेरी का ओपनिंग है, क्या कहिएगा? एक बहुत ही बढ़िया कदम है जिया सर ने लिया है, एक बहुत ही अच्छे शिक्षक है हमारे साथ, हमारे कॉलीग हैं, इन्होंने बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है। आई वुड लाइक टू से दैट दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव एंड आई वुड कॉन्ग्रेचुलेट हिम एंड आई कैन से दैट दिस इज़ गोइंग टू बेनिफिट स्टूडेंट्स इन अ वेरी गुड वे एंड दैट्स ऑल आई वुड लाइक टू से। पूर्णिया के स्टूडेंट को कुछ कहेंगे कि उनको आना चाहिए यहाँ पर, एक बार देखना चाहिए? यू शुड, मतलब पीपल शुड डेफिनेटली कम हियर बिकॉज द वाइब हियर इज डैम गुड। आई वुड लाइक टू से दैट दे शुड रियली विजिट दिस प्लेस, दिस प्लेस इज हैविंग वेरी गुड वाइब एंड यू कैन स्टडी हेयर पीसफुली, वी हैव ACs installed here, so that is going to RO water, magazine, newspaper, everything is we are you are going to get here in this place, so you don't have to be worried about anything, come here, study and do something to make your parents proud, thank you very much। चलिए, बाकी आप सब पूर्णिया से इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ अगर जो पूर्णिया स्टूडेंट है इस लाइब्रेरी को एक बार जरूर विजिट